डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं विनोद गुप्ता रियल स्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। आज मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो प्लॉट्स खरीदते हैं बेचते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो उम्मीद की जा रही है सब रजिस्टर ऑफिस से लीक हो रही है। वो कैसे लीकेज है वो मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ, और आप सहमत हो मेरी इस वीडियो से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने कंसर्न को शेयर कीजिए। मैं आज बताना चाहता हूँ कि सेक्टर 34 में जैसे हमने कोई प्लॉट बेचा अपने क्लाइंट को और हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री उसकी करवा दी है, उसके बाद में उसके पास कोई ब्रोकर का फ़ोन जाता है कि सर ये आपका प्लॉट नंबर है और क्या आप इसको बेचना चाहते हैं, या साथ में कोई प्लॉट है आप लेना चाहते हैं और ये नंबर है। तो ये सारी डिटेल, हमारा जो क्लाइंट है उसका फ़ोन आता है, विनोद जी मेरी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, आपने लीकेज की है। मैं कहा हम क्यों लीकेज करेंगे, फिर मेरी डॉक्यूमेंट राइटर से बात हुई, उसने कहा हम ऐसा काम सर नहीं करते हैं। तीसरा फिर एक ही डाउट गया कि जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हम रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर टेलीफोन नंबर दे के आ जाते हैं, हमने कितने का लिया है कितने का दिया है प्लॉट, उसकी इन्फॉर्मेशन एड्रेस और नाम के साथ होती है अलॉन्ग विद द फोटो। इसके साथ मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ सब रजिस्ट्रार मैनेज करते हैं उसको, एंड ऑल रजिस्ट्रार ऑफिसेस आर कंट्रोल्ड बाई डीसी कंसर्न ऑफ द एरिया। और उसके साथ सब रजिस्ट्रार के साथ में और फोटोग्राफर होता है, डॉक्यूमेंटेशन वाले कुछ और लोग होते हैं, रिकॉर्ड कीपर होते हैं जो हमें रजिस्ट्री वगैरह बाद में निकाल के देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर स्टिक होती है, 100% होती है, और वहाँ से ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है हमारे परचेजर की वो लीक आउट होने की पूरी पूरी संभावना है। मेरा कंसर्न ये है कि सब रजिस्ट्रार तो कहते ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन नीचे बैठा हुआ स्टाफ ऐसा कुछ काम कर सकता है। मैं ये नहीं कर रहा, कर रहे हैं, बट कोई ना कोई रूप बन के वो लीकेज हो रही है वहाँ से। लीकेज होने का मतलब आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लीकेज हो रही है, आपकी सिक्रेसी इंडिविजुअल आईडी की लीकेज हो रही है, साथ में आपका टेलीफोन नंबर और कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास है, ये सब लीकेज रजिस्ट्रार ऑफिस से ही होने की उम्मीद की जा रही है। मेरे दोस्तों, ये बहुत सारी बार आपने देखा हो, आपके क्लाइंट का फ़ोन आता है, मेरे पास किसी का फ़ोन आया और वो प्रॉपर्टी के बारे में कह रहा था, बेचना है खरीदना है क्या कुछ करना है, या लोग पहुंच रहे हैं उन एड्रेस तक। तो मेरा आज कंसर्न ये है कि जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं या हमारे सेलर परचेजर या इन्वेस्टर्स हैं, उनको अवेयर इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई सुझाव है आप कमेंट में लिखिए, हम उसको भी मद्देनज़र रख के आगे वीडियो बनाएंगे। और ये इतनी ज़्यादा शेयर आप कीजिए सो दैट ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो वीडियो है लीकेज की, जो टेलीफोन नंबर फाइनेंशियल स्टेटस की रजिस्ट्रार ऑफिस से लीकेज हो रही है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस तक पहुँचे, डीसी ऑफिस तक पहुँचे और कंसर्न स्टाफ तक ये बातें सारी पहुँचे। और इसी के साथ कोई सुझाव है तो आप हमारे से संपर्क कीजिए और ये लीकेज इमीडिएट रुकनी चाहिए, यही मेरा सुझाव सभी के लिए है। मेरे दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और एक आवाज़ ऐसी होनी चाहिए सब रजिस्ट्रार सब कंसर्न जो हमारे आप अलीपुर में हैं या सेक्टर 16 में हैं या फिर गंजावला में हैं, जहाँ भी कंसर्न हमारी रोहिणी की प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ तक ये मैसेज आए, और ये जो इमीडिएट लीकेज आज इसे रुकनी चाहिए सो दैट हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो गुमराह ना हो और उनकी इन्फॉर्मेशन लीकेज ना हो। थैंक यू।